वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज अपन प्रूव करने वाले हैं एक्सिस और इक्वेटर के लिए और भी पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, है ना? और फिर इसके अंदर लास्ट पोर्शन आता है मटेरियल मैटर वाला, जिसमें कि आप डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनके बारे में डिस्कस करते हो, है ना? तो देखो एक एक पोर्शन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना? वो भी आपके शायद एग्जाम में आ रहा है ना? तो वो भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं
मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ बार मैग्नेट मीन्स अगर कोई भी आपको एक बार मैग्नेट गिवन हो तो उसकी एक्सेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जैसे मान लो कि आपके पास एक मैग्नेट है कुछ इस तरीके से, क्लियर है, और इसके अंदर मान लेते हैं ये वाला पोल एन पोल है और ये वाला पोल एस पोल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बता रखा है कि ये जो लेंथ होती है इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है 12। अब इसके एक्सेस के ऊपर, इस मैग्नेट के एक्सेस के ऊपर आपको एक पॉइंट दे दिया है पॉइंट पी, क्लियर है, और ये जो पॉइंट है वो जो बार मैग्नेट है उसके मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, क्लियर है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, है ना। तो चाहो तो आप फोर्स के लिए प्रूव कर लो, या फिर सिंपली अगर देखे तो ऐसा भी मान सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, फोर्स के अंदर क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो चाहो तो यहाँ पे यूनिट पोल भी अज्यूम कर सकते हैं, है ना। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड बोला है तो एक चीज समझ में आती है कि जैसा देखो अपन क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डेफिनेशन देते थे तो वहां पे क्या कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। मीन्स दो तरीके के चार्जेस आप लेते थे, एक तो क्या होता था सोर्स चार्ज होता था और एक होता था टेस्ट चार्ज, क्लियर है। दो तरीके के चार्जेस थे तो वहां पे अपन क्या कहते थे कि कुछ फील्ड लाइंस होगी जो कहां से आ रही है, सोर्स चार्ज जो कि जनरेट कर रहा है वहां से आ रही है, और ये फील्ड लाइंस जो है वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन फील कर रहा है, टेस्ट चार्ज, क्लियर है। तो अपन ने कहा था कि ये सोर्स चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइंस आ रही है या फोर्स आ रहा है, फील्ड लाइंस आएगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, मे बी अट्रैक्शन वाला हो या फिर रिपल्शन वाला हो। तो उसके अकॉर्डिंगली अपन कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है कि यूनिट टेस्ट चार्ज पे, यूनिट टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है या यूनिट टेस्ट चार्ज जो है जितना फोर्स फील करता है, यूनिट टेस्ट चार्ज जितना फोर्स फील करता है, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, है ना। हो सकता था वो पॉजिटिव से आ रही है तो बाहर पॉजिटिव की वजह से क्या होती है बाहर की तरफ, और नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ। अब देखो इसमें ये वाला केस तो पॉसिबल था इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी इज इक्वल टू एफ बाय मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैं एफ एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है तो इसको किससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एम से, और जो चार्ज है उसको मैं यहाँ पे क्या पोल स्ट्रेंथ एम से रिप्रेजेंट करूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या ये अपन लिख सकते हैं क्या, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, ब्रज का आंसर आया ऐसा नहीं लिख सकते हैं, और किसी का कुछ आंसर, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके पास सिंगल चार्ज था, वहां पे आपके पास सिंगल चार्ज था मींस क्योंकि कुछ वैल्यू थी, बट यहाँ पे अगर बात करें तो सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, भाई एन होगा तो उसके साथ एस भी होगा, क्लियर है। तो ऐसा अपन इस केस में नहीं लिख सकते हैं, बट समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चाहो तो प्रूव भी कर, फिफ्थ चैप्टर में आपने शायद प्रूव भी किया होगा, फोर्थ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, सर्कुलर रिंग है तो 2 आर वगैरह वो सारी चीजें होगी। तो सिंपली अगर कहे तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर, क्लियर है। जो m1 m2 आते थे वो मैग्नेटिक किसके अंदर आते थे, फोर्स के अंदर,
क्लियर है, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला लिख सकता हूं, लेकिन इस तरीके से जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिप्रेजेंट करते थे E is equal to F by Q, तो यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बार मैग्नेट है वहां पे सिंगल कभी भी पोल नहीं होता है, है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपने पास आया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर, चलो ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो एन के लिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो प्लस एम है, और एस वाला जो पोल है उसके लिए पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, माइनस एम। क्लियर है, तो अब देखो इसके लिए प्रूव करते हैं कि अगर बात करें सबसे फर्स्ट मैं डायरेक्शन जो ले रहा हूं वो एन के लिए, एन के लिए फील्ड लाइन किस तरफ होगी, इससे बाहर की तरफ। क्लियर है, तो फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ। क्लियर है, इसको मैं नाम दे देता हूं बी वन वैक्टर, क्या नाम दे रहा हूं, बी वन वैक्टर। अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसा करो ये एन पोल है तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, बी एन लिख लेता हूं। क्लियर है, और क्योंकि ये नॉर्थ पोल है तो इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, उसकी तरफ। इसको चार्ज ही आप समझ के रखो भाई, ये प्लस एम और माइनस एम चार्ज की तरीके से ही समझो, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि चार्ज में अपन ने जो प्रूव किया था है ना, वो यही तो डायरेक्शन ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस की वजह से बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से उसी की तरफ। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं बी एस वैक्टर। क्लियर है, अब जो भी है डायरेक्शन अपन ने इंक्लूड की है तो साइन के साथ वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो कितना हो जाएगा, बी एस वैक्टर प्लस बी एन वैक्टर। क्लियर है, साइन के साथ अपन इसको यूज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले अपन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि बी एन की वैल्यू क्या होगी और बी एस की जो होगी वो वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं बी एन के लिए, तो एन के लिए क्या लिखोगे, बी एन वैक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, एन के लिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव। यहां पे डिस्टेंस कितनी लेनी चाहिए एन के लिए, बता सकते हो क्या, एन के लिए डिस्टेंस कितनी होगी उस पॉइंट से, आर माइनस एल, है ना, टोटल आर है और ये वाला साइड जो होगा वो एल होगा क्योंकि इक्वली आपने डिवाइड किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूं आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, अब देखो इसको चाहो तो मैं प्लस आई कैप की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना, वैसे अपन साइन के साथ ही रखेंगे। बी एस वैक्टर के बारे में क्या लिखूंगा, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, एन के लिए जो पोल स्ट्रेंथ होगी, सॉरी जो डिस्टेंस होगी वो आप क्या लोगे, आर प्लस एल हो जाएगा, ये वाला एल है और ये वाला आर है, तो हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और अगर चाहो तो मैं नेगेटिव भी यहां लगा लेता हूं, पोल स्ट्रेंथ वो नेगेटिव है। क्लियर है, ये तो भाई नेगेटिव था तो वो मैंने डायरेक्शन वाइज ऐसे बता दिया। ध्यान रखना एक चीज कि या तो आप साइन कंसिडर कर लो या फिर डायरेक्शन कंसिडर कर लो, कई बार यहां पे मिस्टेक होती है कि आप साइन भी कंसिडर कर लेते हो और डायरेक्शन भी कर लेते हो तो वहां गड़बड़ हो सकती है। क्लियर है भाई, यहां पे नेगेटिव था तो मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन इसकी नेगेटिव ले ली, है ना, तो दोनों ही साइन और डायरेक्शन दोनों एक साथ मत लेना कभी भी, है ना। चलो ये हो गई अपने पास सेकंड इक्वेशन, अब इनको सिंपली अपन ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आता है। तो बी नेट जो अपने पास रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई और एम अपन ने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब यहां पे कुछ कंडीशन वगैरह भी अपन को लेनी पड़ेगी, तो देखो तो पहले रिजल्ट क्या आता है, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, अगर देखो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, अगर ध्यान से देखो तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऑलरेडी स्क्वायर तो था ही सही तो क्या लगा लो, स्क्वायर। क्लियर है, अब जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो यहां पे जो आपके पास टर्म बचेगी वो क्या हो जाएगी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज।
क्लियर है? तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, है ना। ये आपने सेम चीज वहां पे भी की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां पे जो था L की जगह पे A था, बाकी सब कुछ ही सेम था, है ना। इवन इसके ऊपर SHM वगैरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलो R square, L square, ये तो टर्म कैंसिल आउट होगी, 2 और 2 कितना हो गया 4RL। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, R square minus L square का whole square। अब देखो तो यहाँ पे mu not 2 में यहाँ पे बाहर ले लेता हूं 2 और R मैंने बाहर ले लिया, 4R है इसमें से R तो बाहर ले लिया, 4 को डिवाइड कर लिया, 2 बाहर ले लिया, क्लियर है। तो अंदर ऐसा क्यों किया, क्योंकि M into 2L बचेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो चाहिए ना, तो यहां से आपके पास बचेगा R square minus L square का whole square। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M, क्लियर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो कितना आ जाएगा, और लास्ट स्टेप रिपीट करेगा, देखो ये 4RL जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 2R into 2L ऐसा लिख सकता हूं ना, 2R into 2L लिख सकते हैं। ऐसा अपन क्यों लिख रहे हैं बेसिकली, क्योंकि M जब मल्टीप्लाई होगा 2L के साथ में तो वो कैपिटल M दे देगा, क्योंकि अपन को जो भाई आप जो कर रहे हो चाहो तो आप ऐसा भी रख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये कि अपन चाहते हैं कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की फॉर्म में बताना चाह रहा है, तो पहले उस रिलेशन को तो लेके आना पड़ेगा ना, स्मॉल m इनटू 2l वाला। तो स्मॉल m तो दिख ही रहा है, l भी अपने पास है, सिर्फ 2 चाहिए, तो क्यों ना यहां 4 से 2 इनटू 2 करके एक 2 यहां ले जाओ और 2r बचेगा उसको बाहर ले जाओ, ये रहा, क्लियर है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में लेके आए हैं सिर्फ, है ना, चाहो तो वैसे भी रख सकते हो। तो एक बार देखो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू r इनटू m बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 2 बचा हुआ है इसको मैं एज इट इज ऐसे रखता हूं, क्लियर है। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, क्लियर है। अगर इसी के अंदर अगर अपन कंडीशन लगा लेते हैं, इसी के अंदर क्या लगा लेते हैं कंडीशन, जैसा कि आपने वहां पे भी लगाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अपन कहते थे कि अगर कोई पॉजिटिव एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, और एग्जांपल के लिए अपन लेते थे जैसे H2O में एक है H प्लस और OH माइनस, क्लियर है। तो वहां पे कहते हैं कि सर जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉन्ग रेंज में होती है, 10^-10 रेंज में होती है। तो अपन ऐसा करते हैं कि 2L ही बहुत छोटा होगा, जब 2L ही बहुत छोटा है तो L भी, L की वैल्यू वो भी बहुत कम होगी, किससे, R से, क्लियर है। तो सेम प्रोसीजर की यहाँ जो बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो आपने कंसिडर की है कि बहुत कम है कंपैरेटिवली जिस डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो उसके, मींस R इज मच मच लेस देन R, L इज मच लेस देन R। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 2, इसको म्यू नॉट बाय 4 पाई को आप कांस्टेंट भी लिख लो, K भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, R m बाय ये टर्म क्या हो जाएगी, देखो ये तो जीरो ही हो गया L स्क्वायर, ऑलरेडी L इतना छोटा है तो उसका स्क्वायर करोगे तो और भी वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आ जाएगी ना, अगर ये 0 point something कुछ हुआ और उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और भी कम हो जाएगी, है ना। तो अपन पहले ही मान लेते हैं कि बहुत छोटा है, और वैसे भी समझ में आता है कि जब R है वो सेंटीमीटर और मीटर में होगा, और मैग्नेट की अगर लेंथ है टोटली लेंथ अगर सेंटीमीटर में 2 या 4 सेंटीमीटर बताते हो, उसका भी आधा पार्ट करोगे तो और छोटा हो जाएगा, तो कंपेयर इसको हटा ही देते हैं। तो ये बचेगा R4, तो एक R यहां से कैंसिल आउट हो गया, जो फाइनल रिजल्ट मिला अपने पास वो कितना हो जाएगा, 2 times ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई m by r cube, क्लियर है। इसको समझने के लिए इसको मैं फिलहाल लिख रहा हूं k m, क्या लिख लेता हूं, k m means constant है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p
इज इक्वल टू 2km m by r cube. क्लियर है? ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्सियल एक्सियल पॉइंट के लिए, है ना. अब इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो इसी पर्पज से होगा कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करवाए. क्लियर है? तो सबसे पहले तो यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट आपको किस सेंटीमीटर में दे रखा है, तो उसको कोशिश करो कि मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपके पास म्यू नॉट वगैरह जो भी है वो किसमें है, ऐसा स्टैंडर्ड में है, तो कोशिश यही करो कि किसमें मीटर में कन्वर्ट हो जाए. और दूसरी चीज फिर एक बार ये देख लिया करो कि एल की वैल्यू आर के कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. अगर नहीं कर सकते हैं तो एक फॉर्मूला ये वाला डायरेक्ट यूज कर लो, और अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो सेकेंड वाला फॉर्मूला ये वाला यूज कर लो, दोनों ही कंडीशन में. क्लियर है? इसके ऊपर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं. तो ये कौन सा पॉइंट था? एक्सेल पॉइंट था. अब देखो इक्वेटर के लिए प्रूव करते हैं कि अगर मान लो आपके पास जो मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके से है. सेकेंड केस लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट देखो. इक्वेटोरियल पॉइंट के अंदर एक बार याद करो, वहां पे क्या करते थे कि दो चार्ज लेते थे उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये वाला N है और ये वाला S है, और इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट चूज करते थे पॉइंट P. क्लियर है? और उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस थी वो कितनी थी? R. N जो था उसके लिए प्लस एम, एस के लिए माइनस एम. तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर डायरेक्शन देखोगे, अच्छा एक चीज समझ में आती है कि सर ये सेंटर है तो ये भी एल हुआ और ये भी कितना एल हुआ. तो देखो एन क्योंकि पॉजिटिव है इसकी वजह से डायरेक्शन होगी वो इससे दूर की तरफ होगी, और एस वाला जो है उसकी वजह से डायरेक्शन इसी की तरफ होगी. मैंने एरो बना रखा है इस तरीके से. हाँ ये बात अलग है कि इनका रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और अगर वैसे भी समझ में आता है सब कुछ सिमेट्रिक है. देखो एल एल आर दोनों में ही कॉमन है. क्लियर है? तो एंगल भी क्या होंगे? सेम ही होंगे. ये भी थीटा और ये भी थीटा. क्लियर है? तो देखो यहां पी पॉइंट पे एन की वजह से है तो मैं क्या लिख लेता हूं? बी एन. और यहां पे ये वाला बी एस. अब एक बार ध्यान से देखो तो ये जो बन रहा है ये जेड बन रहा है. देखो ये थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा? थीटा. बात क्लियर हो रही है क्या? ये जेड बन रहा है तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा. और दूसरी चीज कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन. और एक ये वाली जो लाइन है वो इसको कट कर रही है. ध्यान से देखो, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक ही लाइन है इसको कट कर रही है. तो ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे? सेम. क्लियर है? और एक चीज समझ में आती है कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस थीटा लेते हैं. जिस तरफ क्या हो थीटा उस तरफ क्या लेते हैं? कॉस थीटा. और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन थीटा. तो सर बात समझ में आती है कि ये थीटा है तो बी एन का इस तरफ along the axis जो component होगा वो होगा सर बी एन कॉस थीटा. ठीक है? बात समझ में आती है? ये है बी एस, ये एंगल फिर से कितना? थीटा. तो इसका इसी के along ये जो component आएगा वो कितना आएगा? बी एस कॉस थीटा. अब इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी देख लो कि ये सर होगा वो होगा बी एस साइन थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ये जो होगा वो होगा बी एन साइन थीटा. क्लियर है? अच्छा इसके लिए अपन को जो जरूरत पड़ेगी, अच्छा एक चीज देखो कि बी एन और बी एस इनकी वैल्यू तो मैं देखू एक बार क्या आती है. तो सबसे पहली चीज की वैल्यू के लिए ये जो है अपने पास प्लस एम पोल स्ट्रेंथ, इससे डिस्टेंस चाहिएगी. और डिस्टेंस बात समझ में आती है कि ये एल है ये आर है, तो कितना हो जाएगा? रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. यहां पे भी ये कितना हो जाएगा? रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. क्लियर है?
तो देखो इसके लिए क्या लिख सकते हो, बी एन इक्वल्स टू, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, म्यू नॉट बाय 4 पाई प्लस एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मींस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। और अगर बी एस के बारे में देखे तो उसके बारे में समझ में आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो कितना आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों क्या आ रहे हैं सेम। मैंने यहां मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा लिया है ना, साइन के बारे में मत देखना, साइन तो ऑलरेडी अपन ने क्या कर रखा है, डायरेक्शन को कंसिडर कर दिया ना, तो अब साइन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है भाई। कहा था ना, या तो साइन को कंसिडर कर लो या फिर डायरेक्शन को कर लो, है ना। तो आपके पास ये दोनों आ गए, और एक चीज समझ में आती है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, सेम है। तो यहां से जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ये तो क्या हो गए, कैंसल आउट। बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं और मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैंसल आउट हो गए। बट अगर ध्यान से देखो कि माइनस आई कैप में, माइनस आई कैप में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसमें दोनों कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, एड हो रहे हैं। तो बी नेट जो मुझे यूज करना चाहिए वो मैं लिख सकता हूं बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, क्लियर है। और अगर ध्यान से देखे तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, इक्वली है ना। तो बी नेट अगर मैं लिखना चाहूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं टू टाइम्स ऑफ बी एन या फिर बी एस, जो भी लिखना चाहो, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, क्लियर है, इंटू कॉस थीटा। अब देखो, अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देखो तो यहां पे कितना हो जाएगा बी एन, बी एन कितना है मे नॉट बाय 4 पाई एम बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा ये है, तो कॉस क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है एल और हाइपोटेनियस कितना है रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं एल बाय रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये टू रहा, ये एम है और ये एल है, टू एम एल, इसको लिख सकते हैं क्या कैपिटल एम टू स्मॉल एम इंटू एल को क्या लिख सकते हैं कैपिटल एम। तो बी नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो गया कैपिटल एम बाय, ये टर्म देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, रूट में है तो कितना है हाफ है, 1 प्लस हाफ 3 बाय 2, तो हो गया आपके पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाय 2, क्लियर है। ये अपने पास क्या आ जाएगा रिजल्ट। अब देखो इसमें फिर से आप कंडीशन लगा सकते हो, तो कंडीशन के लिए क्या होगा कि अगर आपके पास जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हुई, मींस आर इज ग्रेटर देन एल हुआ, तो उस वाले केस में आप क्या कर सकते हो बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना आ जाएगा एम बाय आर क्यूब, क्लियर है। तो एक चीज समझ में आती है कि एक्सिस के लिए एक्सियल पॉइंट और इक्वेटर के लिए दोनों का जो रेशियो होता है कितना होता है 2:1, क्लियर है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, तो एक्सेस के ऊपर भी अपन ने कर दिया और इक्वेटर के ऊपर ही कर दिया, ठीक है। और प्रूव है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन होगी, ठीक है। चलिए नए टॉपिक पे चलते हैं कि अब जब डायपोल पे बात की है तो वहां पे भी अपन ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में क्या लगता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और अगर फोर्स की बात करें कि दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और पोलैरिटी वाइज अपोजिट है तो बेसिकली एक कपल फोर्स लगता है, क्लियर है। तो हो सकता है कि वो क्या करे रोटेटरी मोशन करे, क्लियर है। वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या है रोटेशनल मोशन में भी जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और साथ में रोटेटरी मोशन भी करेगा, क्लियर है। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती थी, वहां पे ये पढ़ा था। तो सेम चीज यहां पे भी है,
कि जैसे अपन ऐसा कंसिडर करते हैं, सबसे पहले तो अपन टॉपिक लिख लेते हैं, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे यूनिफॉर्म लिखना जरूरी है ना। तो देखो यहां पर जैसे मान लो कोई भी आपके पास कोई बार मैग्नेट है, तो उसको आपने कुछ इस तरीके से रखा है, यहां पे मान लो ये N है और ये वाला कौन सा है, S पोल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपन ले लेते हैं यूनिफॉर्म है सब कुछ इस तरीके से, B वेक्टर, क्लियर है। तो एक चीज समझ में आती है कि सर N है उसके लिए पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और S के लिए पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव है, तो N के ऊपर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, N पोल के ऊपर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स को क्या लिख सकते हो, M इंटू बी, फोर्स को क्या लिख सकते हो, M इंटू बी, डाउट तो नहीं है। और अगर बात करें S के लिए, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, क्योंकि माइनस एम है, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, M इंटू बी इस वाले डायरेक्शन में, क्लियर है। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स क्या बताओगे, जीरो। बट यहां पे नेट टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा क्या, नहीं, क्लियर है, क्योंकि ये रोटेट होगा। अच्छा, इसी में अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं होता तो क्या होता, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता तो टॉर्क फोर्स जीरो होता क्या, फोर्स भी जीरो नहीं होता है ना, एम बी वन और एम बी टू ये यूज करते। चलो अब देखो यहां पे ये, अच्छा टॉर्क के लिए तो क्या चाहिए सर, टॉर्क जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क का अगर रिलेशन देखें मैकेनिक्स में तो क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना चाहे तो डायरेक्ट ही ऐसा लिख सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ वेक्टर, या फिर फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आप चूज कर लो, तो परपेंडिकुलर चूज करोगे तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां पे देखो ये कपल फोर्सेस जो लग रहे हैं इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाली अज्यूम कर लेते हैं कितनी है, एक्स है। अच्छा अब एक चीज समझ में आती है कि ये जो बार मैग्नेट है उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी थी, 2L, और मैग्नेटिक फील्ड से मान लो कि ऑलरेडी वो पहले से ही कितने एंगल पे था, थीटा एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब देखो टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स, फोर्स तो कितना है, एम बी, और मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, x। अब कैसे भी x कैलकुलेट कर लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहां से x के लिए कौन सा एंगल चूज करना चाहिए, क्योंकि x परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस पता है, तो ऑब्वियसली साइन चूज करना चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाय 2l, x बाय 2l, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ गई 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल्स टू हो गया एम बी इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो ये m और ये 2l कितना हो गया, कैपिटल M। तो यहां से टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, या फिर इसको लिख सकते हो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मींस अगर एम वेक्टर 3D में गिवन हो या बी वेक्टर 3D में गिवन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट आप इजीली कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करके टॉर्क वेक्टर बता सकते हो, और मैग्नीट्यूड ले लोगे तो टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास, है ना, मॉडुलस लेने के बाद। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पे अपन ने जो प्रूव किया वो टॉर्क के लिए किया, कि अगर कोई भी
एक मैग्नेट बार मैग्नेट बोल दो या फिर एक मैग्नेटिक डायपोल बोल दो, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, सेम ही है। या तो बार मैग्नेट बोल दो या फिर मैग्नेटिक डायपोल बोल दो। अगर इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस वाले केसेस में वो बार मैग्नेट जो होगा वो क्या होगा, रोटेट करेगा। क्लियर है? और रोटेट करेगा तो सीधी सी बात है, रोटेट तभी कर सकता है जब क्या है, टॉर्क लग रहा होगा। भी चीज रोटेट कब करेगी, जब क्या लग रहा होगा उसके ऊपर, टॉर्क लग रहा होगा। तो टॉर्क अपन ने कैलकुलेट किया आर क्रॉस एफ के अकॉर्डिंगली। चलो अब देखो इसके अंदर टॉर्क से रिलेटेड एक चीज और आती है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क से रिलेटेड जो अपने पास एक और प्रूफ आता है कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट केस देखो आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एक चीज तो समझ में आती है कि किसी भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क करोगे वो किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर मान लो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी वर्क करते हो तो वो किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। चाहो तो वो ग्रेविटी ले सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स कैसा भी हो, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स है वो भी कैसा है, नेचर वाइज कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या कहोगे कि इसमें अगर मान लो कोई भी डायपोल हो, अगर मान लो कोई भी डायपोल हो और उसको लिए आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ वर्क करते हो। क्या करते हो, वर्क करते हो। और वर्क को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करोगे या फिर रोटेट करोगे। वर्क के लिए आप क्या करोगे भाई, फोर्स तो लगाओगे बट वहां पे या तो हॉरिजॉन्टली या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्प्लेस हो, या फिर क्या करवा दो उसको, रोटेट करवा दो। दो पॉसिबल केसेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लग रहा है और ऑलरेडी वो बार मैग्नेट है, वो रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना बेटर रहेगा कि उसको रोटेट करना। बात क्लियर हो रही है? अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में दोनों ही वर्क डन होंगे। क्लियर है? एक तो रोटेशनल वाला और एक ट्रांसलेटरी मोशन वाला। ठीक है, तो चलो अपने लिए जो है वो क्या है कि जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर आपके पास एक बार मैग्नेट है, कुछ इस तरीके से मैं ले लेता हूं। यहाँ पे ये एस पोल है, ये वाला एन पोल है। फोर्स के बारे में वैसे ही पता है कि जो लगने वाला जो फोर्स है वो है एम बी, और इसके ऊपर लग रहा है इस तरफ एम बी। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो सिचुएशन कैसी है कि यहां पर आपने ये जो मैग्नेट है ये रोटेट हो रहा था, तो आपने क्या किया कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट इसको क्या किया है, कुछ ना कुछ रोटेट कर दिया है। क्लियर है? तो यहां पे ये खुद, अगर आपको पूछूं इस बारे में कि ये जो मैग्नेट है वो उसका नेचर कैसा होगा, कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, गिवन सिचुएशन में जो डायग्राम में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ये बार मैग्नेट कैसे रोटेट हो रहा होगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, तो मैं क्या करूंगा कि जिस तरफ रोटेट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखता हूं, और जब मैं इंटीग्रेट करके लिमिट लगा लूंगा तो मैं एक पर्टिकुलर रीजन में डिफाइन करूंगा कि यहां से यहां तक के लिए या इतने एंगल से इतने एंगल के लिए बेसिकली मैंने कितना वर्क किया, और जो वर्क करूंगा वो किस में स्टोर होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है? तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि वर्क जो है, क्योंकि इस बार रोटेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो स्मॉल रोटेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, टी इंटू डी थीटा। जैसे वहां पे क्या लिखते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो यहां पर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, टॉर्क इंटू डी टी। अब यहां से देख लो, इंटीग्रेट कर लो तो कितना हो जाएगा, टॉर्क कितना था अपने पास, एम बी साइन थीटा।
ध्यान रखना है ये कैपिटल एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू डी थीटा। अब चाहो तो आप देख लो थीटा वन से थीटा टू तक आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। जनरली आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अंदर पहली वाली सिचुएशन आपको गिवन होती है कि आप पहले मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है और 90 से आपको रोटेट करना है 180 पे, तो कितना वर्क डन करोगे या कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो बेसिकली आपको एक एंगल गिवन होता है और दूसरे एंगल के ऊपर रखने पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसके बारे में पूछा। और कई बार ऐसा भी होता है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री अगर रोटेट करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। बट कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना कि कहां से कहां पे मूव कर रहे हैं। पहली सिचुएशन थीटा वन है, बाद में कहां चला गया, थीटा टू पे। चलो अब देखो तो वर्क डन इक्वल्स टू एम बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। अगर ध्यान से देखे तो साइन थीटा का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और एक चीज समझ में आती है कि सर अपन ने लिमिट तो पुट कर दी है तो कॉन्स्टेंट सी लगाने की जरूरत नहीं है, और लिमिट लगा लो थीटा वन टू थीटा टू। चलो ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो चाहो तो आप बाहर लेके आ सकते हो, तो कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है, या फिर चाहो तो आप नेगेटिव अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। और किसी भी सिस्टम पे जो वर्क करोगे वही किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि सभी जो कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे स्प्रिंग ले लो, कैपेसिटर ले लो, है ना, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ, कई बार बैटरी वर्क करेगी, कई बार अपन खुद एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जैसे यहाँ पे अपन खुद ही रोटेट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मैग्नेट नहीं हो रहा, तो जो भी वर्क कर रहे हैं वो किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो रिजल्ट आया वो आया एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्लियर है, तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। चलो अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो कि आपको एक एक क्वेश्चन सभी का कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट सिचुएशन, जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, ये S ले लो, ये N ले लो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, 10 एम्पियर इंटू मीटर है, और इफेक्टिव जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ले लो यहाँ पे कितना, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, और एक एक्सियल पॉइंट P चूज किया है जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करके बतानी है क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, एक बार मैग्नेट है, पोल स्ट्रेंथ गिवन है 10 एम्पियर इंटू मीटर, डेटा आपको ऐसे ही दिया है कि थोड़ा इजीली कर पाओगे, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इस एंड से जो लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये पूछा है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंट पी के ऊपर वो कितना हो जाएगा। डिस्टेंस कहां से लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा डेटा वाइज देखना। 15 है तो आर की वैल्यू कितनी है इसमें कोई बता सकता है, आर कितना है, 15 है क्या यहां पे, आर 20,
जो आर लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं ना, तो 20 सेंटीमीटर है ना, बाकी अब 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो फटाफट कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको मिल सकती है, तो बस यहाँ पे एक्सेस के ऊपर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो इक्वेटर के ऊपर ले, तो यहाँ सिर्फ एक्सेस या फिर इक्वेटर पे लेंगे तो होगा क्या, क्वेश्चन किसके लिए होगा, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। अगर आपसे कैलकुलेशन करवाना है तो एक्सेस या इक्वेटर के ऊपर दो तीन क्वेश्चन एक्सेस के, दो तीन क्वेश्चन इक्वेटर के दे दो, तो वहां से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, है ना। चलो अगर मान लो कैलकुलेशन नहीं बेटा, आंसर एक्चुअली डेटा तो अभी आपके सामने ही दिया है ना, तो आंसर का कुछ आइडिया नहीं है बेटा। एक बार देखो, ऐसा कुछ आ रहा था क्या, किसी ने बताया था 25 मिनट एम बाय क्या आ रहा था, एक बार बता दो तुम, हेत बताओ तो कितना आ रहा था मिनट एम बाय। ऐसा कुछ था आंसर, है ना। तो आप देख सकते हो कॉन्सेप्चुअली तो कोई डाउट नहीं है, कैलकुलेशन वाइज आप कर सकते हो, है ना। ब्रज का एग्जैक्ट आंसर आया है 6.25 × 10⁻⁴, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है तो आप यूज कर सकते हो, है ना। चलो अब कैलकुलेशन वाले नहीं लेते हैं अपन, क्वेश्चन एक दो लॉजिकली कॉन्सेप्ट वाले कर लेते हैं। जैसे मान लो एक सॉल्व करेगा, चलो बेटा सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे सब कुछ डेटा है सेंटीमीटर में, है ना, तो पहली चीज तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छा है कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो एम्पियर इंटू मीटर में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक चीज देखो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन नहीं है, ये जो अपन कहते थे ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आर आपके पास 20 है और एल है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ज्यादा भी कम नहीं है, है ना, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, 2 μ0 r/4π कैपिटल M बाय कितना था r² - l² का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। क्लियर था, ये आपके पास रिजल्ट है। अब यहां पे वैल्यूज रखनी है, तो एक चीज समझ में आती है सर, म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है वो 10⁻⁷ होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे एक बार ध्यान देना, तो 2 × 10⁻⁷ × r, r कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये कर दिया किसमें, मीटर में कन्वर्ट, इंटू कैपिटल M, कैपिटल M कितना हो जाएगा देखो, तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल M कितना 10 × 2l कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो 100 × 10⁻²⁰ कितना 1, 100 × 10⁻²⁰ तो कितना आ गया 1, तो ये तो आ गया 1 आपके पास। अब r स्क्वायर बचा, तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 × 10⁻⁴, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू एल स्क्वायर, एल कितना है 5, तो 25 × 10⁻⁴ और इसका भी स्क्वायर,
ठीक है, अब देख लो ये जो भी आंसर आ रहा है। तो इसके बाद तो कर सकते हो ना, सिर्फ डेटा अपन ने पुट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एक ही टाइम पे दो चीजें आपसे करवानी है, जैसे मान लो एक्सेस और इक्वेटर दोनों की एप्लीकेशन को एक साथ ही लगवाना है। जैसे मान लो ये जो मैग्नेट है इसके लिए इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है, ए है, और एक दूसरा मैग्नेट ले लिया कुछ इस तरीके से, है ना, सिमेट्रिकल, और इसके लिए अपन ले लेते हैं कि ये जो साइड है वो कितनी है, पी है। ये पोल मान लो एस है, ये वाला पोल एन है, ये वाला पोल एन है, और ये वाला पोल एस है। और आपको ऐसा कुछ कह दिया कि ये जो मिडिल पॉइंट, और इसके लिए मैं यहां एक लाइन बना लेता हूं, ये डिस्टेंस कौन सी है, डी डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसी के अंदर आपसे अगर पूछा हो कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट, जो डी डिस्टेंस है, जो फिर से सुनो, जो डी डिस्टेंस आप ले रहे हो उसका मिड पॉइंट, मीन्स अगर मैं बताऊं तो ये वाली डिस्टेंस होगी डी बाई टू, ये पॉइंट पी चूज कर लिया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो है, पोल स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे कितनी है, इसके लिए माइनस एन, इसके लिए प्लस एन ले लो, सेम ही ले लो, ऐसा करो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, है ना। ऐसा कुछ दे रखा है, पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, बताओ तो क्या होना चाहिए, हाँ यहां पे ये सिचुएशन ले लो आप कि जो डी है मच ग्रेटर देन ए, ले लो ए एज वेल एज बी, बी के लिए भी ले लेना है ना, जिससे थोड़ा एक्सप्रेशन है वो थोड़ा ठीक ठाक आए, रूट फाइव मिनट एम बाय फोर पाई आर क्यू, बेटा फोर नहीं आएगा, बस ये थोड़ा सा देखो फोर शायद नहीं आना चाहिए, आंसर है वो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, एक बार देखो तो आंसर है टू रूट फाइव मे नॉट एम बाय पाई डी क्यूब ऐसा कुछ, यही आ रहा है। एक बार बेटा कर लो, तो डाउट है तो पूछ लो, बाकी यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें बस ये है कि एक्सेस और इक्वेटर दोनों को इंक्लूड कर दिया, एक्सेस और इक्वेटर को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, क्योंकि वैसे तो आप किसी भी जनरल पॉइंट पे भी बता सकते हो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने तीन केसेस में किया था, याद करो एक्सेस पे, इक्वेटर और जनरल पॉइंट पे, जिस तरीके से पोटेंशियल में kp cos theta by r square जो लिखते हो 2kp cos theta by r square, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तीन पॉइंट आपने किए थे एक्सेस इक्वेटर और जनरल पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया था ना एक्सेस इक्वेटर और जनरल, तो सेम चीज यहां पे भी मैग्नेट के अंदर भी तीनों केसेस हो सकते हैं एक्सेस इक्वेटर और जनरल, बट बोर्ड के अंदर ये दो चीजें ही एक्सेस और इक्वेटर, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर मान लो इसी के अंदर कुछ और भी बनाना हो तो आप शेप है वो चेंज कर लो, प्लस का साइन बना लो, कौन सा साइन बना लो, प्लस का। जैसे मान लो क्वेश्चन अगर बनाना हो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो आपको ऐसी सिचुएशन गिवन हो, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया मैग्नेट, ऐसा कुछ है ना,
और इसके अंदर ये N, ये S ले लो और ये N ले लो, ठीक है। तो इसके अंदर चीजें आपसे पूछी जाए कि जैसे मान लो ये पॉइंट P है, इस मैग्नेट को मैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन करें क्या बेटा, इससे पहले वाला क्वेश्चन करें क्या? यस, चलो पहले वाला बेटा देख लेते हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर लेता हूं, आप ट्राई करना, है ना, फिर अपन ये वाला कर लेते हैं सॉल्व जिनसे नहीं हुआ। थोड़ा सोचना इस बारे में कि अगर इसका नाम दे देता हूं मैग्नेट नंबर फर्स्ट और अच्छा आंसर में कुछ गड़बड़ है, चलो देख लेते हैं। ये मैग्नेट है वो क्या है, M2 है, तो P पॉइंट पे पूछे तो M1 के लिए क्या होगा, एक्सियल पॉइंट, और M2 के लिए P पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट होगा। अब जो भी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंगली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो Q पॉइंट यहां कहीं पे दे, सोचने की बात ये है Q पॉइंट कहां दे, ना तो सर एक्सिस के ऊपर है ना इक्वेटर के ऊपर है, क्लियर है। तो फिर आपसे पूछे कि बताओ Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, भाई होगी तो सही, फील्ड लाइंस तो होगी ना, तो बतानी है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है, ले सकते हो कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट प्रूव किया है तो वहां से भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, है ना। चलो फिलहाल के लिए अपन ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशन पे एक बार ध्यान देना, जो इसके लिए P पॉइंट पे ये M1 है और ये M2 है, एक बार बताना, तो M1 की वजह से P पॉइंट पे, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये P पॉइंट है, इसकी वजह से V1 जो आया अपने पास वो कितना आ जाएगा, रिजल्ट था म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 भी था 2, कैपिटल M, कैपिटल M कितना आएगा, अच्छा डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर ऐसा कुछ आएगा क्या, डी क्यू ऐसा आ रहा है क्या आपका आंसर, एम ए डी आ रहा होगा शायद, है ना। तो एम इंटू डिस्टेंस कितनी थी, कंप्लीट की ए थी ना शायद, ए ले लो, और आर की जगह पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस का, आर बाय टू, सेंटर पॉइंट्स है ना, तो डी बाय टू का स्क्वायर, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना, अपने पास दो तीन मिनट ही बचे हुए लास्ट में। अच्छा बी टू के बारे में क्या कहोगे, सर बी टू है वो कहाँ पे है, एक्सियल या इक्वेटर, कौन से पॉइंट पे है, देखो तो इक्वेटर पे है, तो इसके लिए देखो बी टू में क्या लिख सकता हूँ, बी टू इज इक्वल टू मे नॉट बाय फोर पाई इंटू कैपिटल एम, कैपिटल एम कितना, एम इंटू बी, एम इंटू बी, और ये कितना हो जाएगा डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया, हाँ क्यों, ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। अब टू का क्यूब एट वगैरह उसको बेटा ऊपर ले जाना, फिर डायरेक्शन वाइज आपको वेक्टर को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना बेटा, एक बार ट्राई करना है इसको, दो मिनट बचे अपने पास, कैलकुलेशन ज्यादा है, है ना। हो सकता है आप कह रहे हो कि आंसर में सर कुछ गड़बड़ है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा हुआ है हो सकता है बाय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, है ना। तो एक बार कैलकुलेशन देखना, इवन आप डायरेक्शन भी बता सकते हो, भाई दो वेक्टर आ गए ना बी वन और बी टू, तो आप टेन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करके बता सकते हो कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट सर आएगा वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल से इस डायरेक्शन में है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एंगल भी बता सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना और इस बारे में सोचना, है ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी है वो मैटर के टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके पास फेरोमैग्नेट वगैरह
जो है उससे रिलेटेड, और भी इसके अंदर एक दो थोड़ी बहुत चीजें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड किस तरीके से आप बता सकते हो, है ना। सोलेनोइड है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, तो सोलेनोइड के लिए आपने एक प्रूफ किया होगा, दो एंगल चूज किए होंगे कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू वाला, और लास्ट में लिखते हो म्यू नॉट एन आई। बेटा ये प्रूव किया है क्या सोलेनोइड के लिए आपने प्रूव किया है क्या म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू ऐसा कुछ, है ना। तो वो तो अपन ने डायरेक्ट, अपन इस बार क्या करेंगे डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि वो तो चलो ठीक है प्रूफ था, बट यहाँ पे कुछ बोर्ड लेवल पे जो भी पढ़ते हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं ना। बेटा आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है। थैंक यू।